गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मेरा पटाया में डे 3 है और मैं अभी जा रहा हूँ कोरल आइलैंड। तो चलो देखते हैं कोरल आइलैंड में क्या क्या है और कोरल आइलैंड जाने के लिए कैसे कैसे जाना पड़ता है। पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी, तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। अभी मैं पहुंच चुका हूँ कोरल आइलैंड बीच पे और अभी देखिए ये कोरल आइलैंड जो है पटाया से लगभग 1 घंटा टाइम लगता है बोट में यहाँ पे आने के लिए। और बोट का फेयर है 30 baht पर एडल्ट, और अगर आप लोग स्पीड बोट में आते हो तो 1000 baht पर स्पीड बोट, और स्पीड बोट में मिनिमम 2% और मैक्सिमम 8% आ सकता है। और ये बोट का जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही चलती है बोट। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आके और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जाओ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर लास्ट ट्रिप में आप लोग जाते हो तो बहुत ओवर क्राउडेड होगा और सीट मिलना मुश्किल होगा फेरी में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आके 3-4 घंटे में बीच घूम के और शाम 4 से 5 बजे तक आप लोग यहाँ से निकल जाओ, तो फिर अच्छा होगा।
मैं ये कोरल बीच जो बीच है उसी में आके खाना खा रहा हूँ। और खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है मेनलैंड से, क्योंकि ये आइलैंड है तो इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं एक राइस आइटम ऑर्डर किया सी फूड, जिसके लिए मुझे पड़ रहा है 80 baht, और एक कोकोनट वाटर खा रहा हूँ उसका पड़ रहा है 50 baht। मैं यहाँ पे जो बिग बुद्धा है वहीं पे आया हूँ, और इसके लिए मैं एक बाइक रेंट पे लिया जिसके लिए 300 baht लगा है बाइक रेंट के लिए। आप लोग भी अगर आए तो बाइक रेंट कर सकते हो, 2-3 घंटे के लिए 300 baht लगेगा। पूरी की पूरी ये जो आइलैंड है, आइलैंड आप घूम के देख सकते हो, ठीक है। आइलैंड में सेम बीच है ये कोरल आइलैंड में सेम बीच है। यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा के अभी जा रहा हूँ दूसरा बीच पे। फाइनली वो जो कोरल आइलैंड का जो मेन बीच है उधर ही जाऊंगा, ठीक है। बीच का जो बेट है, बीच का साइड में
उसी बेड पे थोड़ा लेट रहा हूँ और इसके लिए लगा 30 फट बैठने के लिए लगा और सामने जो समुंदर का नज़ारा है वो देख रहा हूँ। देखिए ठीक है, का तो डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में मिल ही गया। आने जाने में 30 फट 60 फट लगता है और उधर अगर आप लोग स्कूटर रेंट पे लेते हो तो फिर 300 फट मांगता है, लेकिन आप लोग बार्गेनिंग कर लेना, बार्गेनिंग करने से वो बहुत कम में हो जाता है। और जितने सारे वाटर एक्टिविटी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप लोग अगर चाहे तो कर सकते हो, लेकिन बार्गेनिंग ज़रूर करना। बार्गेनिंग करने से बहुत सस्ते में आप लोगों को मिल जाएगी सब कुछ। ये लोग बहुत ही ओवर चार्ज करते हैं सब कुछ के लिए, तो बार्गेनिंग कर लीजिए तो फिर सस्ते में हो जाएगा। मैं तो कोई वाटर एक्टिविटी नहीं किया, लेकिन देखा है वाटर एक्टिविटी 500 800 2000 ऐसे करके है। उसका वीडियो लेने में मैं भूल गया था, नहीं तो ले लेता वीडियो। लेकिन आप लोग कोई भी हो, आप लोग एक बार बार्गेनिंग ज़रूर कर लेना, वो आप बार्गेनिंग करने से कम हो जाता। ठीक, अभी मैं पहुंच गया हूँ पटाया सिटी में और लगभग 1 घंटा ही लगा आने में। अभी चलो देखते हैं, शायद आज और कुछ नहीं करूँगा तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए टाटा।